नमस्कार, मुकेश खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया वीडियो लेके आए हैं, दिल खुश। दिल खुश कैसा? अगर आपकी प्रेमी रूठ जाए या आपका पति रूठ जाए तो उसको कैसे मनाएं? आपके घर में कोई भी आपसे नाराज है उसे कैसे मनाएं? तो दिल खुश बनाएं और उसको मनाएं। एक बाउल में हम एक कटोरी रवा डालेंगे, रवा कोई भी हो। उसमें एक चौथाई चम्मच खाने वाला सोडा, नमक आधी चम्मच या स्वादानुसार मिक्स करेंगे और एक कटोरी दही फेंटा हुआ डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और धीरे धीरे पानी डाल करके एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। गाढ़ा घोल ठीक जैसे इडली का बनाते हैं उसी तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, अन्यथा धीरे धीरे डालेंगे, घोल तैयार हो जाए। देखिए घोल तैयार हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक कर के रख देंगे। इधर हम तीन आलू हमने बॉईल किए हैं, एक प्याज छोटा सा है, 5-6 हरी मिर्च हैं, एक टमाटर है, करी पत्ता है। इसको हम मैश कर लेंगे, बिल्कुल मैश करके रख लेंगे। और अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। हमने हरी मिर्च डाल ली है, प्याज मिला लिया है, सबको मिला लिया है, करी पत्ता भी सूखा हुआ है डाल लेंगे इसी में ही। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक क्यों कर दें। ये हमने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया डाला है पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, ज़रा स्वाद अनुसार है, आप नमक मिर्च ना भी डाल सकती हैं क्योंकि हरी मिर्च उसमें पड़ी है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी अगर हो तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप डाल लें रंग आता। ये हमने मैश कर लिया, इसका हम कुछ करेंगे नहीं, ना तलेंगे ना कुछ, इसी तरह रखेंगे। अब हम घोल को देखेंगे कि आहा क्या बात है, फूल गया है रवा। आप ज़्यादा बनाएं तो 2 कटोरी रवा डालें। अब हम इसमें आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो इनो हो, इनो डाल दें और इसको इसमें अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स कर देंगे ताकि इसमें बबल्स उठ जाएं। बबल्स उठने लगे हैं, ये बेकिंग पाउडर या इनो डालने से 1.5 गुना फूल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस एक प्लेट में या बर्तन में किसी में ग्रीस लगाएंगे, यानी घी लगाएंगे, घी या ऑयल जो भी है आप यूज करती हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अभी कर दें। अब हम इसमें आधा बैटर डाल देंगे और कढ़ाई को हमने 2 गिलास पानी डाल करके गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसको आलू के मैश को इस तरह से करके इस पर डाल देंगे और अन्यथा आप वैसे ही डाल सकते हैं अगर ये ना गिरे, जैसे ये इसमें भी चिपक गया है। हम इसको इस तरह से फैला देंगे चारों तरफ। और फैलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा बैटर हो तो पूरी एक लेयर बना दें। ज़्यादा बनाना है तो एक लेयर पूरी इसके ऊपर बना दें बैटर की, और फिर टमाटर डालें। टमाटर डाल सकती हैं आप, टमाटर केचप डाल सकती हैं इसमें ऊपर से। अब इसके ऊपर हम बैटर सारा डाल देंगे। ये नाश्ता 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। आप
दो कटोरी रवा भिगोएंगे तो वो चार लोगों के लिए हो जाएगा। अब हम इसको सेट कर देंगे, हल्का सा ठोंक देंगे धीरे से, और जो कढ़ाई में पानी देखेंगे खोल रहा है, अगर पानी कढ़ाई में खोल रहा है तो हम इसको खोल रहा है पानी, हम इसमें स्टैंड रखा हमने कढ़ाई में, ये स्टैंड जो है बर्तन रखने के काम में आता है, आपके पास होगा, अगर ना हो तो कटोरी या प्लेट रख सकते हैं इसके अंदर। ये बीच बीच में हमने सेट करके रख दिया। अब हम इसको करीब 15 मिनट के लिए सेट करके छोड़ देंगे। हमारे चैनल को अब आप लाइक कर लें इस समय, और 15 मिनट हो गए हैं, देखें हम देखेंगे इसमें अब चाकू डाल करके बैटर जो है ऊपर तक आ गया है, ये देखिएगा। अब हम इसमें चाकू डालेंगे और चाकू डाल के देखेंगे कि चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी, यानी कि हमारा बैटर तैयार हो गया है। ये गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको करीब 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ढक करके फ्रिज में। फ्रिज में जल्दी सेट हो ठंडा हो जाएगा। आप वैसे भी बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं। क्या आपने लाइक कर लिया है हमारे चैनल को? नहीं किया है तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। 10 मिनट हो गए हैं, फ्रिज में से निकाल के हमने इसमें चाकू की मदद से साइड काट दिया, और इसको हमने प्लेट रख के पलट दिया। ये वाह क्या बात है, तैयार है। अब हम इसको काट देंगे। आप जितने बड़े काटें उतने बड़े पीस काटें। अगर आप बड़े बड़े पीस काटने हैं तो इसमें बीच में से ही कट लगा दें तो बड़े पीस हो जाएंगे। हमने इसमें 3 कट लगाए हैं, और इनको अब हम तवे पर ऑयल या घी लगाएंगे, और उसमें इन्हें आधी चम्मच ऑयल डाल करके सैलो फ्राई करेंगे। इसमें हम इनको दिल बहार को रखेंगे। दिल बहार एक ऐसा नाश्ता है, आपका प्रेमी अगर आपसे रूठा हुआ है तो आप उसको प्लेट दावत देकर के उसको खिलाएं, वो मान जाएगा। पति आपका रूठा हुआ है, बच्चे आपके रूठे हुए हैं, दिल बहार बना करके चाय के साथ सर्व करें, चटनी के साथ, मोमोज की चटनी के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ, पुदीना की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, या चाट मसाला डाल करके सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। ये इतने स्वादिष्ट होते हैं कि वो रूठा हुआ व्यक्ति अपने आप मान जाता है। अगर आप उसे मुस्कुरा के खिलाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, काफ़ी दिनों से रूठा हुआ हो जो भी वो व्यक्ति मान जाता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। एक बार आप बना करके ट्राई करके ज़रूर देखें, और इसको अपने जितने भी सगे संबंधी हैं या भी मिलने वाले हैं उनको खिलाएं, वो कहेंगे वाह क्या बात है। ये देखिएगा स्ट्रक्चर, देखिएगा कितना प्यारा आ रहा है। गैस को मध्यम रखेंगे, चाकू की मदद से हम इसको पलट देंगे। ये देखिएगा कितना प्यारा है स्ट्रक्चर आ रहा है, ये देखिएगा। ये देखिएगा ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर बन गया है, ओहो। ये है दिल बहार। धीरे धीरे करके आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दें, गैस को मध्यम रखें, तेज गैस पर। ये हमने सीख गए हैं, ये दिल बहार निकाल लिए हैं प्लेट में। ये आपको अपनी सहेली को, आप फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, और कैसे लगेंगे ये आपको ये बना के तो कमेंट ज़रूर करें। आइएगा, अगर आपको पेंटिंग सीखनी है तो आप इसमें हमारे वीडियो हैं पेंटिंग के, स्केचिंग के, आप बच्चों को सिखा सकती हैं, अपने बच्चों को स्केचिंग सिखा सकती हैं, पेंटिंग सिखा सकती हैं हमारे वीडियो देख करके।
आप भी सीख सकती हैं, और आपको कुछ वैसा प्रॉब्लम हो हमको कमेंट में भेज सकती हैं, एक महीने के अंदर हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। ये देखिएगा, ये दिलबहार खाने के लिए तैयार हैं। अब हम ये देखिएगा, स्पंजी हैं। आप कहेंगे ये तो ढोकले हैं, लेकिन ये ढोकला नहीं है, ये दिलबहार है, जिसको खाने से रूठा व्यक्ति मान जाता है। ये इतना प्यारा है दिलबहार। आप दिलबहार को, हमने चटनी नहीं लगाई है इसमें, चटनी के साथ नहीं खा रहे हैं, इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। आप भी चाट मसाला डाल सकती हैं या चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। ये हमने चाट मसाला डाल दिया है, कलर देखिए कितना प्यारा आया हुआ है। एक बार आप बना करके खाएंगी तो लगेगा वाह क्या बात है। हमारे वीडियो आपको सब कम ऑयल के ही मिलेंगे, ज़्यादा ऑयल हम यूज नहीं करते, ताकि आजकल लोगों को ऑयल से एलर्जी है, बीमार रहते हैं लोग ज़्यादातर।